ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಆದಂತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ इसके बाद हिंदी सीख जाऊंगी कन्नड़ा भी श्री बीके हरिप्रसाद जी श्री मयूर जय कुमार जी उनके लिए अलग और मंच पे बैठे जितने भी नेतागण हैं जितने भी कांग्रेस की के पदाधिकारी हैं सबका इस सभा में स्वागत श्री आरवी देशपांडे जी ने मुझे डांट भी दिया कि मैं देर में आई फिर मुझे ये भी कह दिया कि जल्दी में जा रही हो तो कम बोलो कहा कि 50 साल से राजनीति में है इसलिए उनको अलाउड है मुझे डांटना लेकिन मैं जो मेरे मन में है वो बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं कर्नाटका में प्रचार कर रही हूँ और पहले कभी मैंने इतना समय कर्नाटका प्रदेश में नहीं गुजारा यहाँ आकर बहुत ही खुशी होती है कितना सुंदर है आपका प्रदेश आप सबको बहुत गर्व होगा और पूरे देश को आप पे गर्व है और ख़ास तौर से यहाँ डांडली आके देखा कि यहाँ आसपास में कितना जंगल है ऊपर से हवाई जहाज से दिखता है बहुत सुंदर और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है सुनकर कि ये एक मिनी इंडिया है यहाँ सब प्रदेशों के लोग हैं कई भाषाएं हैं और आप सब मेरी बातों को समझ भी सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो ये बात सुनकर हुई कि आप सब मिलजुल कर एक साथ खुशी से रहते हैं और आज के भारत में ये एक बहुत बड़ी बात है आपने एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया है क्योंकि आपको मालूम है कि आज की जो राजनीति है वो सबका ध्यान भटकाने वाली राजनीति है जितने भी नेता भाजपा के आपके सामने आते हैं उनका ये प्रयास होता है कि चुनाव के समय हम अलग अलग कौन से मुद्दे ले आए लोगों के सामने कि लोग अपने जज्बातों के आधार पर हमें वोट दे दें और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि जो चुनाव है वो आपके मुद्दे पे होना चाहिए आपके मुद्दे क्या हैं अभी मैं इससे पहले वाली मीटिंग में एक महिला से मिली और मैंने पूछा जीवन कैसा है क्या क्या करती हो महंगाई है बच्चों के रोजगार है क्या स्थिति है तुम्हारी उससे पहले जब दो दिन पहले मैं कर्नाटका में थी मैं कुछ लड़कों से मिली नौजवान थे मैंने पूछा पढ़े लिखे हो जवाब आया हाँ किसी ने बीटेक की थी किसी ने बीए की थी नौकरी है नौकरी नहीं है तो देखिए आप पब्लिक हो हम सब आपके सामने आते हैं मैं अपनी बात करूंगी कांग्रेस की बात करूंगी कोई और आएगा बीजेपी की बात करेगा कोई और आएगा किसी और दल की करेगा तो आपको कैसे समझना है कि आपके हित में कौन बात कर रहा है और कौन अपने ही हित में अपने ही लालच के लिए अपनी सत्ता बनाने के लिए बात कर रहा है इसके लिए सबसे बड़ी चीज आपका ही अनुभव है आपका जीवन कैसा है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं पिछले 3.5 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है कर्नाटका में कुछ दिनों पहले मैं टीवी देख रही थी मैंने देखा कि गृह मंत्री जी आए थे उन्होंने 4 उम्मीदवारों को बीजेपी के उम्मीदवारों को इसी तरह से मंच पे खड़ा किया और मंच पे खड़ा करके ये कह रहे थे कर्नाटका की जनता आप अपने प्रदेश को हमारे हवाले कर दो इनको छोड़ दो हमारे हवाले करो मोदी जी के हवाले करो तो मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 3.5 सालों के लिए किसके हवाले था क्या बीजेपी के हवाले नहीं था क्या इनकी सरकार नहीं है और परिस्थितियां क्या है
आज महंगाई इतनी हो गई है, आपको गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा है, दाल नहीं खरीद पाते, अन्न नहीं खरीद पाते, बच्चों की स्कूल की फीस महंगी है, जहां देखो वहां जीएसटी है, छोटे छोटे जो मेरे दुकानदार भाई बहन हैं क्या करते हैं, हर चीज पे पहले तो नोटबंदी आई, उसके बाद जीएसटी, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान कितने हैं यहाँ, हाथ उठा के दिखाओ, नौजवान ही उठाना, पता चला बुजुर्गों ने भी उठा लिया हाथ। आप में से कितने बेरोजगार हैं बताइए, हाथ उठाइए, काफी हुँ? आप में से कितनों को सरकार ने नौकरी दी है 3.5 सालों में, किसी को नहीं दी। अब आपको मालूम होगा कि 2.5 लाख रोजगार खाली पड़े हैं, सरकार के 2.5 लाख पद खाली हैं। इसका मतलब है कि आपको रोजगार मिल सकते थे लेकिन आपको नहीं दिए गए। आपके माँ बाप ने मेहनत करके ईमानदारी से आपको शिक्षित किया, शिक्षित तो तमाम है नौजवान यहाँ कर्नाटका के, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा। तो महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहे हैं, किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है, जहां गन्ने का किसान है वो रो रहा है, जहां कपास का किसान है वो रो रहा है, उनको दाम नहीं मिलते सही, और जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी खेती करने के लिए उस पे भी जीएसटी है। कोई बड़े संस्था नहीं बनाई है, कोई नए नए अस्पताल नहीं बनाए हैं, शिक्षा के नए नए केंद्र नहीं बनाए हैं, जो है वो पहले बनाया गया था। अभी मैं यहां आ रही थी, मुझे बताया गया था कि मनरेगा ने कितना फायदा किया, कि जो कांग्रेस की ये योजना थी उससे ही कोविड के दौरान आपका गुजारा हुआ, और आज परिस्थितियां ये हैं कि आपके लिए कोई योजना नहीं है, और जो हमने शुरू की थी जैसे अन्न भाग्य वाली योजना जिसमें आपको अन्न मिलता था मुफ्त का, आज मैं जिस महिला से मिली मुझे बता रही थी कि वो जो चावल मिलती है वो खा ही नहीं सकती, उसमें मिलावट है। तो ये परिस्थितियां हैं आज, आप मेहनत से कमाते हो, ईमानदारी से काम करते हो, अपने बच्चों की परवरिश करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपका भविष्य मजबूत बने। आपका एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सब कुछ है। मुझे याद है मेरे पिताजी कहते थे जब मैं 16-17 साल की थी, वो कहते थे कि बैंगलोर हैदराबाद जैसी शहरें दुनिया में प्रसिद्ध हो सकती हैं। उस समय किसी को समझ नहीं थी इन बातों की, तो हम पूछते थे कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले लोग और शिक्षित लोग इतने हैं बेंगलुरु में कि यहां पे टेक और जो भविष्य का काम है सबसे ज्यादा हो सकता है। आज वही हो रहा है क्योंकि किसी की ऐसी सोच थी उस समय कि आपको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम जब चुनाव में इस तरह से आप लोग आते हो हमारी बातें सुनने के लिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो सरकार आप बनाने जा रहे हो इसकी आपके जीवन में क्या भूमिका रहेगी। अगर सरकार अच्छी होती है तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको सुविधा मिलती है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नए रोजगार हो, चाहे किसानों के लिए स्कीम्स या छोटे दुकानदारों छोटे बिजनेसों के लिए मजबूत करने के लिए जो स्कीम्स हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ईमानदार और अच्छी सरकार कर सकती है। लेकिन आज 3.5 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और आपको तो मालूम होगा कि हमने उसको एक नाम दिया है 40% सरकारा। 40% सरकारा का क्या मतलब है? मतलब है कि 40% आपको लूट रही है। हमने एक अनुमान बनाया, कर्नाटका प्रदेश से इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। आप सोच सकते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए आपसे लूटे गए हैं। कैसे? हर पोस्ट हर पद के लिए रिश्वत, हर भर्ती के एग्जाम में घोटाला, हर प्रोजेक्ट में
40% ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं, चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को कॉन्ट्रैक्टर्स, स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन, प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देते। एमएलए के बच्चे पकड़े जाते हैं, उनके घर में 8-8 करोड़ कैश पड़ी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बजाय उनके पिताजी एक परेड निकालते हैं ये कहने के लिए कि तुम हमें छू नहीं सकते। हम भ्रष्टाचार सिर्फ करेंगे नहीं, खुल के करेंगे। सिर्फ लूटेंगे नहीं, खुल के लूटेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है आज आपको कि आपको लूट सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यहां किस लिए आई हूं? मैं आपसे ये कहने आई हूं कि आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। आप बदलाव ला सकते हैं, आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। निकाल दीजिए इनको, आपको हर स्तर पर लूटा है। ये 1.5 लाख करोड़ रुपए, इनसे 100 एम्स बन सकते थे आपके लिए, जाने कितने किलोमीटर मेट्रो बन सकती थी, कितने हजारों किलोमीटर सड़कें बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, शिक्षा के संस्थान बन सकते थे। और कहां गए ये पैसे? लूट के कहां गए? किसकी जेब में है, किसके घरों में है? आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको मन बनाना है कि आप किस तरह की राजनीति इस देश में चाहते हैं। यहां आकर एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ करना, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ करना, चुनाव के समय अचानक ऐसे मुद्दे निकालना जिस पे आपके जज्बात हिल जाएंगे, आप उनके पक्ष में वोट दे देंगे, लेकिन आप फिर एक बड़ा मौका खो रहे हैं। अगर आप इनकी बातों में पड़ेंगे और आप ऐसे नेताओं को बार 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 आगे बढ़ाएंगे जो आपके मुद्दों की बात ना करें और सिर्फ फिजूल के मुद्दे उठाते रहें, तो नुकसान आप ही का होगा। आज आपके मुद्दे, जैसे मैंने कहा, क्या है? महंगाई का बहुत मुद्दा है। कांग्रेस कह रही है कि अगर आप कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो महंगाई पे रोक लाएंगे, और सिर्फ ये नहीं, आपकी मदद करेंगे। आज मेरी बहनें जो सारी वहां पे बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हो आप, घर भी चलाती हो, जॉब भी करती हो, खेती भी करती हो, घर आके सबका देखभाल भी करती हो, सबसे बड़ा बोझ समाज कर आपके कंधों पे है और सबसे कम सहायता समाज आपको देता है ना? तो कांग्रेस कह रही है कि इतनी महंगाई से सबसे ज्यादा कौन जूझा है? मेरी बहनें जो घर संभालती हैं। तो हम चाहते हैं कि हर महीने गृहस्थ महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए, हर महीने मिलना चाहिए। हम करवाएंगे ये, इसको गृह लक्ष्मी योजना का नाम दिया है, गृह ज्योति है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट मुफ्त में आपको बिजली मिलेगी। नौजवान इतने सारे यहां हैं, एक ने हाथ नहीं उठाया कि सरकार ने आपको रोजगार दिया। हम कह रहे हैं कि 2.5 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनको हम भरेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, आपको मजबूती देंगे, आपके छोटे व्यापार, छोटे दुकानदारों को मजबूती देंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, उनको हर महीने 3,000 रुपए सरकार बेरोजगारी का भत्ता देगी। जिनका डिप्लोमा है उनको 1,500 रुपए प्रति माह मिलेगा, ताकि आप भी आस्ते आस्ते अपने पैरों पे खड़े हो पाए और आप पे ये ना बीते कि आप शिक्षित हैं, आपके पास रोजगार नहीं है और बिल्कुल गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। देखो, नौजवान का आत्मविश्वास रोजगार से जुड़ा होता है। जब वो कुछ करके आता है, घर में कुछ कमा के लाता है, तब उसे अपने आप पे गर्व होता है। जब ऐसे ही भटकता है, चाहे कितनी भी शिक्षा कर ली हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो खुद को बुरा लगता है। और उसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है, दोष सरकार का है जो आपके लिए मौके नहीं बना रही है। क्योंकि सरकार का यही काम होता है
सरकार का काम आपको एक दूसरे से लड़ाने का काम नहीं है, आपकी तरक्की का काम है। और इसी तरह से आपने जब नंदिनी मनाई, जो आपके कर्नाटका की एक कोऑपरेटिव है, आपकी मेहनत से बनी है और इतनी अच्छी है, अच्छी तरह से चल रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो खूब दूध इकट्ठा होता था इसके द्वारा और किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर मिलता था दूध के लिए, तो इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में भी हम बच्चों को दूध दे सकते थे। अब आप देखिए कि भाजपा की सरकार कैसी साजिश कर रही है। ये चाहते हैं कि नंदिनी अच्छी है, फूल रही है, फल रही है, अब चाहते हैं कि गुजरात से अमूल का कोऑपरेटिव आए और इसको हड़प ले। तो क्या कर रहे हैं, नकली शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं, कहने लगे हैं कि दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है। अरे भाई, जब 3 साल पहले इतना दूध इकट्ठा हो रहा था कि स्कूल के बच्चों को मुफ्त दे पा रहे थे, तो अब कैसे गायब हो गया? क्योंकि आप करवा रहे हैं, और करवा इसलिए रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि गुजरात का कोऑपरेटिव आए और आपकी नंदिनी को हड़प ले। ये है इस सरकार की नीयत। और सिर्फ यहां नहीं, हर स्तर पर लूट, जहां जहां इनको दिखता है कि कुछ अच्छा हो रहा है उसमें लालच भर जाती है इनमें, और उसमें से अपने लिए कुछ निकालने की कोशिश होती है। लेकिन सरकार का काम है आपको देना, आपसे लेना नहीं। ये जो संपत्ति लूटी जा रही है ये आपकी है। जो सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा देख रही है, PSUs को उन्हें दे दिए, तमाम जो लोन है उनके लिए मुफ्त होता है, उनसे कुछ नहीं लेते, उनसे नहीं मांगते वापस, वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं। एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में, और भारत की जितनी भी संपत्ति है सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। तो जब सरकार की नीयत यह होती है लूट, लालच, सत्ता, तो यही होता है। और इसे ठीक करने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, अपना हक मांगो। जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, महंगाई से तरस रही हैं, अपना हक मांगो। जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, जाग जाओ। इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे, उतना नुकसान इस प्रदेश का, इस देश का होते चले जाएगा। आज आप महंगाई से जूझ रहे हैं, आपकी सहायता के लिए कुछ नहीं है। शेर देखने के लिए प्रधानमंत्री कर्नाटका आ जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते। चुनाव के समय आ जाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार चल रही है तो लूट को होने देते हैं। लूट से कोई परहेज नहीं है। और जब देखो आपका ध्यान इधर उधर भटकाना, अपना ध्यान, अपने ध्यान को मत भटकने दो। तुम इस कर्नाटका की धरती के बेटे हो, इस कर्नाटका के धरती की बेटियां हो, शिक्षित हो, सक्षम हो, आत्मविश्वास है आप में, पूरे देश को गर्व है आप पे। खड़े हो जाओ, जागरूक हो जाओ, एक ऐसी राजनीति लाओ अपने प्रदेश में जो आपके प्रति जवाबदेह बने। जवाब मांगो, क्या किया है आपके लिए? क्या महंगाई घटी? नहीं। क्या रोजगार मिले? नहीं। क्या नए नए उद्योग बने? नहीं। क्या लूटा? हाँ। क्या लालच दिखाई? हाँ। क्या आपका विकास हुआ? नहीं। सवाल पूछो, सबसे सवाल पूछो। आज हम यहां बैठे हैं, कल हम सत्ता में होंगे, हमसे सवाल पूछना। लेकिन ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और इसी में आपका भविष्य है। इस बात को गहराई से समझो। आज यहां आकर मेरी बातें सुनना काफी नहीं है,
मुझे पसंद करना काफी नहीं है, गहराई से अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी है। अगर आपको किसी नेता पे विश्वास था अतीत में, मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग यहां आकर मुझे इसलिए भी देखने आते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी को देखा था। मुझे मालूम है इसमें मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन उन्होंने किया था। और वो जो उनकी पहचान थी कि वो एक ऐसी नेता थी जिसने दिन रात एक किया आपके लिए, जो शहीद हुई आपके लिए, लेकिन पीछे हटी नहीं और आपका ध्यान कभी नहीं भटकाया। आपके मुद्दे थे, आपका विकास था, उसके लिए काम किया। आप आज तक उसे पहचानते हो। यहां जो बुजुर्ग हैं आज तक ये मुझे कहते हैं जब मैं मिलती हूं कि आपकी दादी याद है। तो ऐसे नेता हैं बहनों और भाइयों, आज भी हैं, कांग्रेस में बहुत हैं, जो कर्मठ हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं। उनको पहचानो और जब मन बनाओगे कि आपके लिए एक ऐसी ही सरकार आए जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपके लिए योजनाएं लाए, तब आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहां जो मेरी बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित रहती हैं, मैं जानती हूं, मैं भी मां हूं, मैं भी मां हूं, मैं भी अपने 23 साल के बेटे को देख के सोचती हूं क्या करेगा, अपनी 21 साल की बेटी को के बारे में सोचती हूं कि क्या नौकरी करेगी, अकेले कैसे करेगी। आप भी सोचते हैं, आप भी भविष्य के लिए चिंतित हैं, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि यह भविष्य आप ही के हाथों में है। और जो चुनाव आ रहा है इसमें जो आप वोट डाल रहे हो, एक बहुत बड़ी बहुत कीमती चीज है। इसी से आपकी जिंदगी में आसानी आएगी, आपके संघर्ष कम होंगे, विकास आएगा, इसी से महंगाई कम होगी, इसी से तरक्की होगी। ये बात आप समझ लीजिए। तो बार बार मैं ये दोहरा रही हूं कि आपका प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको श्री नारायण गुरु जी, श्री बसवन्ना जी जैसे महात्माओं ने सींचा, उनकी शिक्षा उनसे आपकी परवरिश हुई है। आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता महान है। और ये संस्कृति, ये सभ्यता आपको एक ही चीज बताती है, सत्य के मार्ग पर चलो और जागरूक हो। उन्हीं का सपना था, उन्हीं का सपना था कि ऐसी सरकारें बने आपके लिए, लोग ऐसी ऐसी ऐसे लोग राज करें जो आपके लिए, पब्लिक के लिए समर्पित रहे। और वही सपना आपका ही होगा, क्योंकि कोई संघर्ष चाहता नहीं है, कोई महंगाई में जूझना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे को बड़ा करे, शिक्षित करे, इतनी मेहनत करके आगे बढ़ाए और फिर बच्चा ऐसे ही भटक रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है, कोई नहीं चाहता। इसीलिए इस बहुत महत्वपूर्ण मौके को समझिए और जब आप वोट डालने जाएंगे तो अपने पक्ष में वोट दीजिए, अपने भविष्य के लिए, अपने कर्नाटका के लिए, अपने प्रदेश के गर्व के लिए। आपने देखा होगा कि किस तरह की बातें उठती हैं। आरक्षण की बात हुई, आपको बताया गया कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, कर्नाटका में बहुत सारे एड्स भी डाले, बहुत सारी बातें की। वही सरकार भाजपा की कर्नाटका में, भाजपा की केंद्र में कुछ नहीं किया। 9th शेड्यूल में डालना था, नहीं डाला, तो कैसा आरक्षण बढ़ाएंगे? यहां पे झूठ, वहां पे रोक। तो पहचान लीजिए कि आपके सामने क्या है। बहुत समय से ये राजनीति चल रही है देश में, अब बहुत फूट फैला दी, बहुत गुस्सा चढ़ा दिया लोगों को, बहुत महंगाई दे दी आपको, और आपको इसी तरह से रखने के लिए उनका फायदा होता है। अगर आप बेरोजगार हैं आप नाराज रहेंगे, अगर नौजवान में गुस्सा होता है उसमें गुस्सा बहुत आसानी से भटकाया जा सकता है, बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि भाई तुम्हें ये नहीं मिल रहा है उसकी वजह से, जाओ उससे लड़ो।
तो आपको बेरोजगार रखना, आपको गरीब रखना, आपको त्रस्त रखना, आपको संघर्ष में रखना, किसी का फायदा हो रहा है इससे, कोई जानबूझ के कर रहा है। खड़े हो जाओ, मत करने दो, अपना भविष्य खुद बनाओ। सारी पार्टियों के स्कीम्स देखो, सारों की गारंटी, सारों के वचन देखो, ये देखो कि किसने अपना वचन निभाया, किसने अपना वचन तोड़ा। आज कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में एक एक वचन रखने का काम कर रही हैं। पुरानी पेंशन स्कीम बोला, पुरानी पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ राजस्थान में लागू है। किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही, किसानों के कर्ज माफ किए। महिलाओं के को कुछ देने का ऐलान किया, वो काम शुरू हो रहा है, क्योंकि कुछ सरकारें ऐसी हैं जो खोखले वचन नहीं करती, लेकिन कुछ और हैं जो खोखले वचन करके भूल जाते हैं। आपको मालूम है बीजेपी की सरकार ने पिछले चुनाव से पहले कर्नाटका में 26 वचन किए महिलाओं को, उनमें से 24 नहीं रखे, 24 नहीं रखे, सिर्फ 2 रखे। तो आप सोच समझ कर अपने आप आकलन करिए कि आपके लिए किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। जिस महिला से मैं मिली अभी पिछले मीटिंग में, उसने मुझे बताया कि पिछली सरकार में जब कांग्रेस थी तो उसको चावल मिलती थी मुफ्त की। आज मुझे बताया कि वो खाने लायक नहीं है। तो वो जानती है ना कि पहले क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है। इसी तरह से अगर आपने पहले सिलेंडर कम का खरीदा, आज 1200 का खरीद रही हो, तो जानती हो ना कि क्या हो रहा है। अगर आपको शिक्षा के संस्थान मिले, आपने बच्चों की शिक्षा कराई कांग्रेस के राज में, और आज उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप जानते हो कि क्या हो रहा है। तो आपसे बड़ा विवेक किसी में नहीं है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ आपके विवेक में। मैं जानती हूँ कि जब आप चुनोगे तो आप अपने लिए चुनोगे, और जब अपने लिए चुनने की बात होगी तो सिर्फ कांग्रेस का हाथ होगा। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपने कर्नाटका को बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए इस चुनाव में बदलाव लाओ, क्योंकि बहुत हो चुका है, आपने बहुत सह लिया है, और सहने की जरूरत नहीं है। आपको अपना भविष्य बनाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आपके साथ इस भविष्य में भागीदार बने, लूट बंद हो, आपकी संपत्ति आपके हाथों में हो, और एक साथ हम आगे बढ़े कर्नाटका के गर्व के लिए और देश के गर्व के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मुझे देर हो गई, और पता नहीं मैंने काफी बोला कि नहीं, वो तो देशमुख जी बताएंगे, देश पांडे जी बताएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की। देश पांडे जी कह रहे हैं, आइए, देश पांडे जी कह रहे हैं कि इनको जरूर वोट दे दीजिएगा, ताकि ये भी उस तरक्की और उस भविष्य में भागीदार बन पाए। 50 साल से राजनीति